अब बनाए अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य। एंजल प्लेनेट, एडमिशंस ओपन, प्ले ग्रुप से क्लास 12th तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जी, जो नगर निगम द्वारा कार्य शुरू किए गए हैं उनका आज निरीक्षण किया गया है। कहाँ कहाँ कार्य प्रारंभ हो रहे हैं और कहाँ कहाँ जो चल रहे हैं कार्य, उनकी गुणवत्ता के लिए हम लोग आज निकले हैं। तो सारी टीम के साथ कि सभी लोगों को साथ में लेके निकले हैं, तो गुणवत्ता की भी जांच हो, एरिया भी देख लें और कहाँ कहाँ काम कितना प्रगति पे है वो सब भी देखें। नगर निगम का नया भवन बनने वाला है, कहाँ क्या कितना? जी, जैसे आपने देखा कि जिस भूमि पर हम खड़े हैं, निश्चित ही भविष्य में आने वाले समय में आपको यही नगर निगम का बिल्डिंग दिखेगी। तो बस उसी के लिए प्रयासरत हैं और उसी का रोड और जो सीमांकन वगैरह है वो सब देखकर पेपर वर्क जो भी होगा उसके बाद। इसके टेंडर पहले भी हुए तो निरस्त कर दिए, अब दोबारा टेंडर होंगे, यही बनने वाला था पहले। अब ये तो हमारे संज्ञान में अभी आया है और हम उस पर नए सिरे से प्रोसेस कर रहे हैं और निश्चित ही हमारे कार्यकाल में इसको पूरा कर रहे हैं। स्विमिंग पूल क्या प्रोग्रेस? स्विमिंग पूल में उसका लीकेज चेक करवाया है, वाटर प्रूफिंग वगैरह हुई है, जिससे कि यदि उसका काम कंप्लीट हो जाता है बाद में पता चलता है कोई दिक्कत आ रही है तो वो नहीं आए। इसके लिए उसकी मेन पहले तो वाटर प्रूफिंग करवा के उसका लीकेज वगैरह सब चेक करवाए हैं और बकायदा वो सब अच्छा है, उसमें लीकेज की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो उसके बाद उसमें टाइलिंग का काम होगा और बस दो चार छह महीने में उसका निश्चित ही आपको परिणाम दिखेगा। अभी कुछ लापरवाही वहाँ देखने को मिली तो आपने अधिकारी को नाराजगी जताई? लापरवाही ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि अपन चाह रहे हैं कि व्यवस्थित काम जी, कि एक बार बनेगा तो फिर आगामी कई सालों तक उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए थोड़ा सा उस पर विशेष ध्यान देकर उसका कार्य कराया। कुछ ऐसा अव्यवस्थित देखने को मिला कि आपने अधिकारी को फटकार लगाई, डांट कर नाराजगी जताई? उसमें अव्यवस्थित तो ऐसा कुछ नहीं है, बस यही है कि थोड़ा जल्दी काम कंप्लीट हो, थोड़ा गति पकड़े काम, जिस गति से चल रहा है उससे तेज गति से काम शुरू। MIC की बैठक भी थी आज, किस प्रकार का हुई? MIC की बैठक थी, उसमें ट्रांसपोर्ट नगर पे भी बातचीत हुई है, उसके अलावा जो चीरा खदान पे 336 जो घर बचे हुए हैं उनको कैसे हितग्राहियों तक उनको पहुँचाया जा सकता है, कैसे उनको वो घरों में शिफ्ट किया जा सकता है, ऐसी कई चीज़ों पर शहर के विकास के लिए बात की। क्या आप चाहते हैं अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य? तो आज ही एडमिशन करवाएं एंजल्स प्लेनेट में, जहां है वेल इक्विप्ड लैब, 15 एकड़ का कैंपस, एयर कंडीशनर क्लासरूम, मेस सुविधा, सुरक्षित वाहन सुविधा, CCTV कैमरा सर्विलेंस, ग्रीन साइलेंट एनवायरनमेंट में पिछले 16 साल से आपकी सेवा में, प्ले ग्रुप से क्लास 12th तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।